हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर, तो आप कैसे बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो, वो भी पैदल तरीके से। और साथ के साथ आपको वेदर से जुड़ी अपडेट भी देने वाला हूँ, वेदर कैसा रहने वाला है आने वाले 3-4 दिनों के अंदर। और साथ के साथ अगर आप केदारनाथ की यात्रा पहली बार कर रहे हो तो आपको कैसे जाना होगा बाबा केदारनाथ की यात्रा पर, तो ये सारे के सारे अपडेट मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। और साथ के साथ केदारनाथ में होटल की अभी कैसी सुविधा है, वहाँ पर अभी लोग रुक रहे हैं तो उन्हें होटल का प्राइस क्या देना पड़ रहा है, हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप कहाँ से कर सकते हो, जो कि आप मेरे से रेगुलरली पूछ रहे हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी अपडेट हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी केदारनाथ की यात्रा को। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो आप आसानी से बाबा केदारनाथ की यात्रा में पहुंच पाओगे और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा से जुड़ी मौसम अपडेट के बारे में। आप सभी को बता दूं, अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हो केदारनाथ की यात्रा पर आज के दिन या फिर आने वाले 2 दिनों के अंदर, तो मौसम आज और 2 दिन तक काफ़ी साफ रहने वाला है, आप आसानी से पहुंच पाओगे। आपको थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है केदारनाथ परिसर के अंदर और आप आसानी से दर्शन कर पाओगे बाबा केदारनाथ के। बाकी जिनके पास हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो हेलीकॉप्टर से आसानी से जा पाएंगे, मौसम साफ रहेगा तो हेलीकॉप्टर फ्लाई करेंगे, आप आसानी से दर्शन कर पाओगे। दर्शन की बात करें तो अभी भी केदारनाथ की यात्रा पर 100 से ज़्यादा लोग नहीं पहुँच रहे हैं, जो कि हेलीकॉप्टर से ही पहुँच रहे हैं ज़्यादातर और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और आसानी से उन्हें दर्शन हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि मेरा ग्रुप खुद दर्शन करके आ चुका है बाबा केदारनाथ से और अब वो निकल चुका है बद्रीनाथ की तरफ। अब आपको बता दूं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए तो आप कैसे जा पाओगे, बेसिकली आज एक और ग्रुप हमारा पहुंचा है गौरीकुंड तक और गौरीकुंड में जाने के बाद उन्हें पता चला है कि अगर आप 25 से 30 लोग हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा बाबा केदारनाथ के ट्रैक पर और आप बाबा केदारनाथ का ट्रैक कर पाओगे गौरीकुंड से आगे। पर ये रिस्की मामला है, जैसे कि आप सभी को पता है गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक काफ़ी जगह टूटा हुआ है और काफ़ी जगह मरम्मत का कार्य चल रहा है। अगर आप भी जाना चाहते हो तो भाई मैं यही कहूँगा, देखो अगर रिस्क लेके अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट उसमें भी आपके साथ ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप से ही आप यात्रा कर पाओगे। और बात करूँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ते के बारे में, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता अभी पूरी तरीके से टूटा हुआ है। अगर आप गाड़ी से करना चाहते हो, जैसे कि पहले टैक्सियाँ चलती थी जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेके जाती थी, वो अभी नहीं चल रही हैं, आपको पैदल तरीके से यात्रा करनी होगी। 5 किलोमीटर का ट्रैक आपको खुद पैदल तरीके से करना होगा, जब ही जाके आप बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंच पाओगे, मतलब कि गौरीकुंड तक पहुंच पाओगे और गौरीकुंड से आगे का ट्रैक कर पाओगे अगर आपका ग्रुप है 20 से 25 लोगों का, तो इस तरीके से आप पहुंच पाओगे केदारनाथ की यात्रा पर। ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मैं बता दूँ, अभी हमारा खुद का ग्रुप पहुँचा है गौरीकुंड तक और गौरीकुंड में वहाँ पर जो पुलिस वालों ने उन्होंने ऐसा ही बोला है, वही बात मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। बाकी एक ग्रुप ने हमारे दर्शन कर लिए हैं बाबा केदारनाथ के हेलीकॉप्टर से और दर्शन करके वो वापस आ चुके हैं और जा चुके हैं बद्रीनाथ की तरफ। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ की यात्रा पर, अगर आप पहुंच रहे हो पैदल तरीके से तो आपको खाने पीने की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेसिकली मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप ट्रैक से यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हो, अभी ट्रैक के अंदर काफ़ी सारी जो दुकानें हैं वो सारी की सारी बंद हैं, तो आपको नीचे से ही सोनप्रयाग से अपने लिए कुछ लेके जाना पड़ेगा, फिर ही आप ट्रैक कर पाओगे और पहुंच पाओगे बाबा केदारनाथ यात्रा पर। ऊपर आपको आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, आपको मेरे ख्याल से 10-12 दुकान होंगी जो खुली होंगी, जो खाना प्रोवाइड कर रही हैं, और ऊपर भी खाने की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि घोड़े कच्चे चलते हैं तो वो अपना खाना पीना लेके जाते रहते हैं ऊपर होटल वालों के लिए, बट अभी भी वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है होटल वालों को खाने पीने के लिए। तो ये आप समझ सकते हो, जब तक प्रॉपर तरीके से केदारनाथ का ट्रैक नहीं बन जाता, सोनप्रयाग का ट्रैक नहीं बन जाता, आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, मेरा रिकमेंड तो यही है। बाकी अगर आपको रिस्की यात्रा करने की प्लानिंग है, आप चाहते हो कि बाबा केदारनाथ के दर्शन आप सबसे पहले करना चाहते हो, तो आप जा सकते हो और बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। ये रिस्की वाला यात्रा है, इसमें आपकी बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, आपको जगह जगह प्रॉब्लम हो सकती है, तो बस यही कहूँगा। और बाकी केदारनाथ का ट्रैक अभी भी जहाँ पर मरम्मत हो रही है ज़्यादा खुला नहीं है, आप मानो तो 1 मीटर के आसपास का रास्ता ही बनाया गया है, उसमें से ही आपको निकलना है। अब आप खुद अमेज कर सकते हो कि ऐसी यात्रा करके आप कितना सेफ़ फील करोगे और कितना सेफ़ फील नहीं करोगे।
बाकी मैं आप सभी को ये कहूँगा, अगर आप हेलीकॉप्टर की यात्रा करना चाहते हो, हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो, तो अभी काफ़ी सारे लोग जो पहुँच रहे हैं वो ऑफलाइन तरीके से हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी टिकट फुल हो चुकी हैं। अगर आप वेबसाइट के अंदर देखोगे तो आपको ऑफलाइन टिकट लेनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी, इन तीनों हेलीपैड के पास पहुंचना होगा। वहां पे जाके सबसे पहले मॉर्निंग में लाइन में लग जाना होगा, और लगने के बाद सेम डे की ही आपको टिकट मिल सकती है, अगर वेदर सही रहा और आप आसानी से यात्रा कर पाओगे बाबा केदारनाथ की। बाकी मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑफलाइन तरीके से जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं और लाइन में लग रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी टाइम लग रहा है, जैसे कि मेरे सुनने में आया है 3 से 4 दिन लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी टिकट मिलने में, और हो सकता है वहाँ पर टिकट मिले भी ना आपको और आपको वेट करना पड़ जाए। तो भाई देखो, अभी 50-50% चांस है आपको मिल भी सकती है हेलीकॉप्टर टिकट, और 50% चांस है नहीं मिल सकती है। बाकी यही एक ऑप्शन है जो कि आप मतलब यूज़ कर सकते हो हेलीकॉप्टर टिकट के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, केदारनाथ की यात्रा पर मैं खुद जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, बट मेरे को कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन मिलती है केदारनाथ का ट्रैक खुल गया है गौरीकुंड से, मैं खुद निकलूँगा, और मैं खुद निकलूँगा तो मैं खुद आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई आप भी मेरे साथ चल सकते हो, बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा वेट कर लो, मेरा तो रिकमेंड ये रहेगा, अगर आप वेट करोगे तो सेफ तरीके से यात्रा करोगे। बाकी अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बिल्कुल भी अभी यात्रा करने की प्लानिंग ना करें। अगर आप सोलो प्लेयर हो, आप ट्रैकर हो, आप काफ़ी सारे ट्रैक कर चुके हो, आपको एडवेंचर पसंद है, तो बेसिकली आप ये ट्रैक कर सकते हो, और रिस्क के साथ ये ट्रैक होगा, और बाकी आप समझ सकते हो रिस्क के साथ कैसा ट्रैक होता है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे कुछ बातें बोलने वाला हूँ जो कि आपको सुननी चाहिए। देखो, आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, बहुत से लोग बोल रहे हैं आप आ जाइए केदारनाथ की यात्रा पर, चले जाइए और केदारनाथ के दर्शन कर लीजिए, तो ऐसा पॉसिबल अभी है नहीं, अभी तक मेरी नज़र में तो नहीं आया है। मेरे खुद के ग्रुप जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आप समझ सकते हो मेरे को 100% पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस यही समझ लो कि भाई 4 लोगों का ग्रुप अभी मेरे जाने वाला है 25 तारीख को, और 25 तारीख को हमारे एक चौमासी से भी यात्रा होने वाली है बाबा केदारनाथ की, बट उसकी भी परमिशन हम ले रहे हैं। चौमासी से भी अभी परमिशन हमें नहीं मिली है, वहाँ से हमने गाइड हायर तो कर लिया है, बट जैसे ही वहाँ से परमिशन मिलती है वन विभाग की तरफ से, तो ही हम जा पाएंगे बाबा केदारनाथ की यात्रा पर। चौमासी गांव से भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है, वन विभाग से और बहुत सी जगह से जहाँ से हम यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप सोच रहे हो कि चौमासी गांव से आप चले जाओगे तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ आपको चाहिए होती हैं, जैसे गाइड चाहिए होता है, आपको प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है, तभी आप यात्रा कर पाओगे बाबा केदारनाथ की। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी डीपली चीज़ बताई है आपको जो आपकी हेल्प करने वाली है। मुझे पता है मैं डेली आपको अपडेट डाल रहा हूँ केदारनाथ से जुड़ी, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो, बहुत सी वीडियो देख रहे हो, बहुत से कमेंट कर रहे हो, और बहुत से डाउट आपके क्लियर होते जा रहे हैं, और बहुत सौ के डाउट मेरे पास आते जा रहे हैं, फिर भी इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, डाल सकते हो, पूछ सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊं जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उस प्रॉब्लम को मेरे को बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपसे जल्द ही नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री केदार।